नमस्कार, संसार क्रांति की टीम आज कसौली हिमाचल प्रदेश में मौजूद है और डिजिटल क्रांति के ऊपर हम बातचीत के लिए हमारे साथ अभी मौजूद हैं इंसेंटिव कार्ट डॉट कॉम के जो फाउंडर हैं आईके शर्मा जी, जो डिजिटल एक्सपर्ट हैं। और विस्तार से जानने के लिए उन्हीं से पूछते हैं उनकी जुबानी, डिजिटल क्रांति के माध्यम से युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं। शर्मा जी, विस्तार से आप बताएं थोड़ा, किस तरह से डिजिटल कॉन्सेप्ट के माध्यम से जो यूथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने भविष्य को उज्जवल बना सकता है। नमस्कार, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके। जब डिजिटल क्रांति की बात करते हैं, जब भारत में ई कॉमर्स की बात करते हैं, तो बहुत खुशी होती है कहते हुए कि हमारी देश की सरकार ने ई कॉमर्स के लिए बहुत रास्ते खोल दिए हैं, डिजिटल इंडिया का मिशन शुरू कर दिया है। और अगर आप ई कॉमर्स की बात करेंगे तो भारत में युवाओं के लिए तो समझ लीजिए संभावनाओं की एक बाढ़ सी आ गई है। ई कॉमर्स ऐसी इंडस्ट्री है जो लोगों के घरों तक घर में बैठे बैठे सामान उपलब्ध करवाती है। अगर आप कोई बिजनेसमैन हैं, अगर आप छोटे बिजनेसमैन हैं, कोई छोटा बिजनेस करते हैं, कोई छोटा प्रोडक्ट बनाते हैं, तो भी आप पूरे भारत तक अपने आप को पहुंचा सकते हैं। ये ताकत है ई कॉमर्स की, ये ताकत है डिजिटल इंडिया की। मैं चाहूँगा अपने ये देश के युवाओं को कहना कि आप समझिए, आप जानिए, ई कॉमर्स के जरिए आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं, आप एक बहुत बड़े उद्योगपति बन सकते हैं, अगर आप ई कॉमर्स इंडस्ट्री की ताकत को पहचाने तो। क्योंकि आपको हम प्लेटफॉर्म ऐसा प्रोवाइड कर सकते हैं जो आपको पूरे भारत तक, पूरी दुनिया तक आपको पहुंचा सकता है। आप कोशिश कीजिए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि incentivecard.com के जरिए हम पूरे भारत के युवाओं को आमंत्रित करते हैं, उनको ई कॉमर्स के जरिए कोई भी बिजनेस करने की सहायता चाहिए तो हम, मैं और मेरी टीम हमेशा तैयार रहेंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ चर्चा में मौजूद incentivecard.com के जो फाउंडर हैं आईके शर्मा। इन्होंने बताया युवाओं के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है डिजिटल क्रांति के माध्यम से, और ई कॉमर्स को यदि ठीक ठीक तरीके से युवाओं को इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए तो रोज़गार के बेहतरीन अवसर उपलब्ध उनके लिए करवाए जा सकते हैं। कसौली हिमाचल प्रदेश से संसार क्रांति के लिए क्रमवीर आर्य।